हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल के एक और वीडियो में। तो आज मैं आया हूँ अपनी बाइक की डिलीवरी लेने, जो कि मैंने बुक करी थी अभी से लगभग 3-3.5 महीने पहले। तो भैया भी आ रखे हैं, बाइक यहाँ पे हो चुकी है बिल्कुल रेडी, तो बस इसकी डिलीवरी लेते हैं। उसके बाद में मोटर ब्लॉगिंग सेटअप के साथ में तुम्हें ये भी बता दूंगा कि एक्टिवा से अगर तुम बाइक पे आ रहे हो तो भाई कैसा फील है, और दूसरा जिस तरीके से कहा गया बहुत रिफाइंड इंजन है। चलो देखते हैं एक्टिवा से बंदा जब स्विच करता है बुलेट पे तो किस तरीके का फील आता है, चलाने में मुझे कितनी दिक्कत होने वाली है। तो चलो अब सारे इसके पेपर वर्क को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर मिलता हूँ तुम्हें डिलीवरी के साथ। फाइनली बाइक आ चुकी है यहाँ पर और लग गई है, और डीके भैया भी हमारे बैठ गए बाइक के ऊपर। ये जो अलॉय है मैंने सबसे पहले इसमें जो एक्स्ट्रा चीज लगवाई वो है ये वाले अलॉय संप गार्ड, हमारा ये जो है लेग गार्ड, ये तो खासकर सभी लगवा लेते हैं। उसके साथ में यहाँ पर मुझे मिली एक्स्ट्रा चीज ये जिसके ऊपर हो रहा है विवाद, जतिन सिंह चल बे। वैसे मुझे ये तो बता, अबे बनाते में ही बता। हाँ भैया पूछो, बिगर कट कट रहेगी ये। वैसे ब्लॉग तो आवे को ना, ये वाला आ जाएगा, वो इंटरव्यू वाला रह गया। क्यों रह गया भैया, मैं एडिटिंग ना कर पाया मैं। भैया सुनो, देखो यार हाथ जोड़ के बिल जी, जो जितनी शुद्ध भाषा में संस्कृत में उर्दू में जितनी भी महान ये गालियों की उपजी दुनिया में हो, जतिन के मेंस करके जरूर कमेंट कर दियो भैया। कमेंट करने वाले लाइक मेरी और सुन ले, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे, ठीक है जी। और सुनो सुनो सी, ऑफिशियल अकाउंट तो बता दो, इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल डीके ठाकुर, फेसबुक पे ऑफिशियल डीके ठाकुर, यूट्यूब पे डीके ठाकुर, मैं अपना प्रचार भी कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं समझ रहे और ये पार्ट यो करके कट जाएगा, अगर ये पार्ट कटा तो तेरा ये जतिन, अरे सबसे पहले यू ही डलेगा टीजर में, यू ही होगा, मैं रोज पहुंच के जाऊंगा। सुन 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 भाई, सब्सक्राइब करना वंडरला शशांक को भी, जतिन को कर लो फॉलो, सब छोड़ो केवल 7,000 रुपए के, और वैसे लगवाओगे तो यहाँ पे पड़ेंगे तुम्हें 12.5 के, क्योंकि कंपनी फिटेड के बाद इसके अंदर से तुम्हारे रेट कट जाते हैं स्पोक वाले व्हील के। और दूसरा MIY के थ्रू अगर आप अपनी बाइक को तैयार करवाते हो और एक्सेसरीज ले लेते हो लगभग शायद से 12-1,000 रुपए की, तो तुम्हें ये भी मिल जाता कस्टम बैच। बाकी कुछ मैं अभी बाहर जाके तुम्हें बता दूंगा मोटर लगिंग सेटअप के साथ में कि क्या रहा पूरा इसका लुक सारा सब कुछ। तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर एक खाली एरिया में जहाँ पे मैं शूट करने वाला हूँ इसका मोटर लॉगिंग सेटअप के ऊपर किस तरीके से। मतलब ये तो यार पहली बार मैं हेलमेट पहन के वाहन चलाने वाला हूँ, ना मैंने एक्टिवा चलाई, सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हाँ कभी भी मैंने हेलमेट पहन के कोई वाहन चलाया नहीं, तो मुझे बहुत दिक्कत होने वाली है हेलमेट पहन के चलाने में। लेकिन हाँ एक मोटो व्लॉगिंग करके देखते हैं इसकी, ओवरऑल तो मैं ओवरव्यू बताता हूँ इस बाइक का। साथ में अभी शशांक अपना वीडियो शूट कर रहा है, इसे भी ख़त्म करने देते हैं, फिर जल्दी से तुम्हें मैं तुरंत से दिखाता हूँ ओवरव्यू मोटो व्लॉगिंग सेटअप में ही कैसा रहता है इस बाइक का पूरा ओवरव्यू, सारा सारा सब कुछ सीन। फिर यार जल्दी से चलते हैं यहाँ से, क्योंकि अंधेरा होने वाला, मुझे कुछ एक्सेसरीज भी लेनी है रॉयल फील्ड से, तो वो सब चीज़ें भी देखते हैं, बस यहाँ से निकलते हैं जल्दी से सारा सब कुछ पैकअप करके। तो अब शशांक का ले लिया है मैंने ब्लॉगिंग सेटअप, हमारा भाई भी यहाँ पे, अब इसे चला के देखने वाले हैं। वैसे वैसे मैं यहाँ चला रहा हूँ लगभग 3 दिन से चला रहा हूँ, 3 दिन के बाद में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और इसे देख सकते हो आप ये लगभग 200 के आसपास चल चुकी है। चलो अब देखते हैं इसे चला के और मैं आपको बताता हूँ इसका रिव्यू। तो चलो करते हैं इसका इग्निशन स्टार्ट, जय माता दी ऑन करते के साथ में सबसे पहले क्या होती है इसमें आवाज़, जैसी वो आवाज़ बंद हो जाए मतलब वो उसकी ECU की होती है, वो ऑफ होते के साथ ही इसे कर देंगे हम सेल्फ स्टार्ट। पता नहीं तुम्हें इसमें आवाज़ कितनी आ रही होगी, ये लगा पहला गियर, अब चलते हैं इसे लेके हम। तो भाई एक्टिवा से चेंज करने के बाद में मुझे देखो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि देखो और जो बाइक चलाता है स्पोर्ट्स बाइक हो या फिर शशांक वाली बाइक हो, उसके साथ होता क्या था गियर में तो बहुत दिक्कत होती थी, बाइक हो जाती थी बंद, लेकिन इसका इंजन इतना ज़्यादा स्मूथ कर दिया है कि मुझे गियर में कोई दिक्कत ही नहीं होती है बिल्कुल भी, मुझे गियर से कि बंद हो रहा है कैसे हो रहा है कुछ भी ऐसा नहीं। और दूसरा भाई देखो मोटो ब्लॉगिंग मेरे को कुछ भी आती है नाइट्रा, मेरे को इतनी नॉलेज एक्टिवा से, और अच्छी है हैंडलिंग बढ़िया है, कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं जब फिलहाल फील नहीं हो रही है। शशांक का कॉल, तो ओवरऑल जो बाइक है काफ़ी सही है, पावर डिलीवरी इसकी बहुत बढ़िया है, एकदम से उठ जाती है बाइक हमारी, लेके जाना नहीं है ज़्यादा स्पीड में, चरण के पास रोकते हैं,
ठीक है निकाल ले। यहीं से बंद, ये इसमें हैजार्ड वाला सिस्टम, हैजार्ड के बाद में वही है कि चारों के चारों इसके इंडिकेटर्स हो जाते हैं ऑन कुछ इस तरीके से। फ्यूल गेज पब्लिक कह रही थी कि फ्यूल सही नहीं बताता, बट मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। अगर साइड स्टैंड पे कर दोगे तो भाई गलत बताएगा ही। ओवरऑल ये है इसका लुक आगे से, भाई आगे रखा है इसमें। कौन सी में? मैंने इसमें देखा, इसमें नहीं। कैमरे में है ना? अच्छा, कैमरा किधर से है? इधर से। अभी तो तूने खोला था यार ये मेन कैमरा। कहाँ है कैमरा? ना इसमें बगलेट। तो ये देखो भाई इसमें जो चीज़ें मैंने लगवा रखी है, इसे 200 किलोमीटर के आसपास मैं चला चुका हूँ। ओवरऑल बढ़िया है, लेकिन कुछ दिक्कतें मुझे अभी इसके अंदर फील हो रही हैं। जैसे जब मैं बैक वाला ब्रेक लगाता हूँ तो एकदम से ये ब्रेक लगता नहीं है, मतलब एकदम से एकदम रुकनी चाहिए ना बाइक, वो वाला सिस्टम नहीं है। दूसरा एक ऐसी कुछ आवाज़ आती है, वो शायद ABS की है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो ये पेंट, ये हटा हुआ मिला है। मैंने इससे कुछ बोला उनसे कि भाई इसे ठीक कराओ, तो उनका कहना है पहली सर्विस में इस चीज़ को कराया जाएगा, और देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा मुझे बाइक में कोई दिक्कत अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिली है। एक हीटिंग, भाई बहुत ज़्यादा हीट होती है यार, बहुत बहुत ज़्यादा हीट होती है। कंट्रोल्स तो तुम्हें मैंने दिखाई दिए, यहाँ पे मिल जाता है हमें इंडिकेटर, इधर मिल जाता है हमें हैजार्ड, ये है पास और बीम हाई लो की यहाँ पे लाइट मिल जाती है, नीचे हॉर्न है, और यहाँ साइड में हमें देखने के लिए मिल जाता है ये फ़ोन का चार्जिंग स्लॉट, यहाँ से हम लोग अपने फ़ोन वोन को चार्ज कर सकते हैं। बाकी मैं मोटर व्लॉगिंग सेटअप को हटा के फ़ोन से और आपको और अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। तो बाइक की हालत देख के तो आपको पता चल ही रहा होगा कि ये बाइक कितनी ज़्यादा मैंने चला दी है। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ लगभग 3 दिन से, और फिलहाल अगर इसमें देखा जाए तो ये चल चुकी है 196.4 किलोमीटर्स। तो ओवरऑल भाई बाइक मेरे को अभी तक बहुत बढ़िया लगी, मुझे कोई भी इसमें दिक्कत फील नहीं हुई है एट प्रेजेंट, टिल नाउ मेरे को कोई भी दिक्कत इसमें फील नहीं हुई है। बस दो तीन कुछ इश्यूज आ रहे थे, चेन लूज थी, चेन मैंने टाइट करा दी। ओवर हीटिंग मतलब बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, लेकिन ये कहते हैं कि नया इंजन हीट होता ही है, तो चलो उसको भी हम लोग मान लेते हैं थोड़ा सा। बैक ब्रेक में मुझे एक चीज़ लगती है भाई, जब मैं इसमें ब्रेक मारता हूँ ना तो एकदम से जो पीछे वाला टायर एकदम से लॉक नहीं होता है, मतलब जो होना चाहिए ना एकदम से ब्रेक मारा तुरंत बाइक रुक गई, जो एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ एकदम से मैं इसको रोक लूँगा, वो चीज़ नहीं है। और एक हल्की सी आवाज़ ऐसी कुछ आवाज़ आती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पेंट हटा हुआ है इसका, जो मैंने शोरूम में बात करी तो उनका ये कहना है कि ये फर्स्ट सर्विस के बाद में वो लोग खुद इस चीज़ को देख लेंगे और इसको कुछ करवा देंगे काम। ओवरऑल बाइक भाई एक नंबर है, एक नंबर उठती है। पावर इसमें बहुत ही बढ़िया है, और अभी तो कलर यार इसमें एक चीज़ और, इसका जो कलर है ना दूर से देखने में कुछ और है, पास से देखने में कुछ और है, वीडियो में कुछ और ही है। जब आप इसे उस पर देखेंगे इनकी MIY के एप्लीकेशन पर, तो वहाँ पर इसका जो कलर है ना बिल्कुल अलग है, यहाँ पे हाथ में आने के बाद में कलर बिल्कुल अलग है। और यार ये इसके चक्कर में बहुत वेट किया, लेकिन बहुत छोटा सा ये नेम प्लेट मिला है मुझे। तो ओवरऑल यही है भाई बाइक, और पहली सर्विस की जल्दी करवाने वाले हैं, 500 किलोमीटर करते हैं फिर सर्विस कराते हैं, फिर आपको और चीज़ बताऊँगा। फिलहाल कंट्रोल बता देता हूँ, तो ये है इसका किल स्विच, उसी के साथ में सेल्फ स्टार्ट स्विच। अभी न्यूट्रल नहीं है तो सेल्फ करना बेकार है, क्योंकि शशांक ने खड़ी करी है, पागल इंसान ने इसे न्यूट्रल नहीं किया। अब तो मैं सुनाता हूँ इसका साउंड, तो कुछ ऐसा साउंड है, रेफ करते हैं हल्का सा फिर सुनाता हूँ। तो हल्के फुल्के पटाखे भी इसमें देखने को आपको मिल जाते हैं, जो एयर बबल्स हैं, वैसे ABS मिल जाता है दोनों में आगे पीछे। बाकी ऑल तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। यहाँ पे हमें मिल जाता है हैजार्ड स्विच, जिसमें हमें मिल जाते हैं चारों इंडिकेटर जलते हुए, और ये भाई कसम से अंधेरे में बहुत प्यारे लगते हैं दूर से। अगर तुम आ रहे हो ना और ये चारों लाइट जल रही है, ओहो भाई दूर से इतनी प्यारी लगती है ना ये देखने में। और दूसरा मैं जल्दी इसके ऊपर वो लगवाने वाला हूँ, वो जो कवर आता है इसका, उसके बाद ये फिर और भी ज़्यादा प्यारे लगेंगे देखने में। लेकिन यार कवर इसमें लगेगा कहाँ से? इसमें तो मुझे बोल्ट लगने का कहीं से जुगाड़ ही नहीं दिख रहा। ये चीज़ भी मुझे देखनी पड़ेगी कि इस नई वाली क्लासिक पे इसका जो कवर है वो लगेगा कैसे। बाकी बाइक एक नंबर है, डेफिनेटली सजेस्टेड अगर यार तुम लोग लेना चाह रहे हो एक हैवी रगेड बाइक। मम्मी नींबू विम्बू भी तो करते हैं शायद। चल आराम से काले भी कह रहे काले भी फूटेगा तो ना ना फूटेगा ना फूट रहा मार वाह।
तो अब हम लोग आ चुके हैं ट्रेंड्स में और ये ले रहे हैं भैया जी पजम्मा। कौन सा पजम्मा पसंद आ रहा है? नारेवारो। हम ले रहे हैं नारेवारो। क्या मैं यू नारो कारो दिस इज ए नारो आरो पसंद पहन के जा रो ये लो मैं सही जा रो ये सुता नहीं है बिल्कुल ये तेरे ले रहे हो ना। बताओ बाबू मुझे ये बताओ ये वाला सही लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है। मैं सुनो ये सही लग रहा है ये दोनों छूट जाओ। दिस वाज द बेस्ट यू बढ़िया ये ले लो ये दिस इज अ यू आर पकड़ के तो देखो नहीं यू देख रही हो पकड़ के ये सब पड़ जाएंगे क्रैक। ओ यार तुम्हारे बालक अरे इन साले मत छुटा दे कहीं छुटा रहो। तो हम ले रहे हैं जी यार जी ले लो हमने ले लियो नारे वाला कितने पैसे को यू जैक कई पैसा यू है 999 रुपए ज्यादा महंगी लगा रखी दी है और सही है। इस बार फिर से मैं वीडियो को मतलब एंड करना भूल गया था व्लॉग को तो अब मैं फिलहाल एडिट कर रहा था। एडिट करते करते मुझे याद आया कि वीडियो को एंड भी करना है तो फिर से मैं इस पार्ट को शूट कर रहा हूँ। बाइक आ चुकी है और जल्दी इसके 500 किलोमीटर भी होने वाले हैं तो उसकी भी हम सर्विस कराएंगे उसकी भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और वीडियो में मेरे को क्या चीज़ और ऐड करनी चाहिए थी वो चीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दें क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग भाई मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ और दूसरा बाइक का रिव्यू पहली बार नहीं ट्राई कर रहा हूँ। और दूसरा आपको सारे चैनल्स के जो लिंक है ना वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहाँ जा करके आप डीके भैया को शशांक को सबको फॉलो कर लेना। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।